हो क्या रहा है? रॉबर्ट जोन्स रॉबर्ट जोन्स ये अच्छी बात नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज स्कूल की सूची में है किसी जगह जाकर जांच पड़ताल करना और समझना, यानी फील्ड ट्रिप। हे रोबोट, तुम्हें पता है कि फील्ड ट्रिप किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से खेतों में सैर करना। ये कम अकल समझता है कि खेतों में सैर करने को फील्ड ट्रिप कहते हैं। इनकी बातों का बुरा मत मानो रोबो, ये तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। ओ, हम पहुँच गए। प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सब जानते हो, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस आ रहे हैं। हम हॉल ऑफ प्रेसिडेंट में इसी मकसद से आए हैं, ताकि हम सब भूतपूर्व मशहूर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जान सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बड़ी मेहनत और लगन से इस अनोखे ट्रिप का फायदा उठाओगे। चलो। उबने के लिए तैयार हो जाओ रोबो, ये बहुत ही बोरिंग ट्रिप होगी। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे जानकारी देने वाले ट्रिप रोबो के लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाले साबित होते हैं। और इसके बारे में क्या ख्याल है? कम अकल। योगमैन बंधु खुदगर्ज हैं, तुम उनकी हरकतों से उदास मत होना। नहीं होऊंगा। जेंटलमैन, स्वागत है दुनिया के मशहूर हॉल ऑफ प्रेसिडेंट में। दोस्तों, देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तकरीबन 80-85 साल पहले हमने प्रेसिडेंट के चुनाव के बीज डाले थे, आज वो बीज पेड़ बन गए। मेरा स्कैन बता रहा है कि ये प्रेसिडेंट बनावटी है। वाह, मैं नहीं जानता था कि इतने मशहूर प्रेसिडेंट भी रोबो की ही देन थे। मैं भी कैसा ना समझ हूँ, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए। मुझे यकीन है मैं पॉलिनेक्स मिडिल स्कूल का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। स्कूल का ही क्यों, मैं अमेरिका का भी प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, या फिर सारी सृष्टि का। और अब अंत में हमारे देश अमेरिका की जय जयकार हो। उम्मीद है कि आज के ट्रिप ने तुम लोगों को आने वाले चुनावों में खड़े होने की प्रेरणा दी होगी। मुझे प्रेरणा मिली है छानबीन करना, जानकारी पाना पॉलिटिक्स के बारे में। टॉपिक नंबर 6, 26A, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जाने के लिए सबसे पहले लोग उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, उसके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। मैं जरूर जीतूंगा। शांत हो जाओ, अब मैं कुछ शैतानों का नामांकन करूंगा। मेरा मतलब है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट काउंसिल के लिए कोई उम्मीदवार है क्या? हाँ रोबो, मैं खुद ही उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई दूसरा उम्मीदवार है क्या? मैं हूँ मिस्टर मिक मिक मिक। ठीक है, तुम में से और कोई? मुझे यकीन है तुम एक काबिल प्रेसिडेंट बनोगे रोबो, और तुम्हें जो है एक प्रचारक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा जो समझदार हो, सोच समझ कर कदम उठाने वाला। मुझे अपने साथ रखो रोबो, हम दोनों मिलकर स्कूल पर राज करेंगे, राज। रोबो, मुझे पता है जब प्रचार की बात तय हुई थी तो मैंने कहा था हमारा कोई नारा होना चाहिए, पर तुम्हें इनके अलावा और कोई नारे नहीं सूझे क्या? क्या ये सब सच है? हाँ, पर
हेलो दोस्तों। हेलो शैनन। शैनन, अच्छा मैंने सुना है तुम क्लास प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हो। मैं नहीं, रोबोट जोन्स। ओ रोबोट, तुम? वाह। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। रोबो अपना पर्चा दिखाओ। वो तो भाग गई। मेरे ख्याल से तुम्हें इन लोगों से कुछ वादे करने चाहिए जिससे ये लोग तुम्हें वोट देने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, पॉलिनिक्स मिडिल स्कूल के बच्चों, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो होमवर्क ज्यादा दिया करूंगा, ब्रेक का समय कम कर दूंगा और गर्मियों की छुट्टियां भी कम करूंगा ताकि हम सब हमेशा स्कूल में साथ रहें। शाबाश शाबाश मिस्टर जोन्स, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी खुशी में मुझसे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ रुबो, ये फोटो अखबार में छापेंगे। रुबो, मैंने आज ये मीटिंग इसलिए रखी है ताकि तुम्हें बता दूं कि तुम कहाँ हो। ये है हमारे चुनाव के मौजूदा हालात का ग्राफ रोबो। तुम्हारी शुरुआत थोड़ी ढीली रही और फिर मुझे इसमें और कागज जोड़ने पड़े, फिर और जोड़ने पड़े, फिर और ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया और दरवाजे तक पहुंच गया। यार मत मानो रोबो, कल ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा जब वो सब तुम्हारा भाषण सुनेंगे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है रोबो, तुम्हें सिर्फ एक नए रूप की जरूरत है। कौन से रूप की? उस बारे में वैसे मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे यकीन है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। नया रूप। ठीक है बच्चों, तुम सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज हम हर एक उम्मीदवार की कुछ बातें सुनेंगे। हम बहुत मजा आएगा। हाँ। क्या तुम लोगों ने रोबो को देखा है? पता नहीं वो कहाँ है। हमें लगा वो तुम्हारे साथ है। ओ नहीं, हमारे पहले उम्मीदवार है रोबो जोन्स। तबीयत खराब हो रही है मेरी। रोबो जोन्स, रोबो जोन्स यहाँ मौजूद है क्या? ये बत्तियाँ किसने बुझाई? कौन है दरवाजे पर? ये मैं हूँ, तुम्हारा प्रेसिडेंट। मेरा एक सपना है रोबो। आज से तकरीबन 20-30 घंटे पहले उस सपने को तोड़ने की कोशिश की गई। क्या तुम हो रोबो जोन्स? हाँ, मुझे बोलने दो। ठीक है। पॉलिनिक्स के बच्चों, ये मेरा आदेश है, तुम सब मुझे वोट दोगे, मुझे अपना प्रेसिडेंट चुनोगे। रोबोट जोन सभी इंसानों का लीडर बनेगा। तुम सब मजबूर हो, वोट दो वोट दो वोट दो। ये क्या कर रहा है? सब भागो, भागो यहाँ से। काफी दिलचस्प नजारा है। मैं इंसानों का लीडर बनने के लिए बेताब हो रहा हूँ। ये इलेक्शन क्लास के लीडर के लिए है रोबो। बड़ी चीज तक पहुँचने के लिए शुरुआत छोटी ही होती है। लीडर मैं ही बनूंगा, अभी पता लग जाएगा। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के रिजल्ट में, जहां हम पॉलिनक्स के नए लीडर की घोषणा करेंगे। रोबो घबराओ मत, रोबो दिल कमजोर मत करना। मेरी चिंता मत करो, मेरा दिल लोहे का बना है। सॉक्स, सच मेरा दिल लोहे का ही बना है। मुझे जरा लिफाफा देंगे प्लीज। और क्लास के नए प्रेसिडेंट हैं रोबोट जोन्स। नहीं, रोबो जोन्स नहीं है, वो है जॉर्ज। Thank you.
डेटा लॉग एंट्री। पॉलिटिक्स के लिए उत्साह, लोगों से प्यार और अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत होती है। हालांकि ऐसा लगता है कि इंसान उम्मीदवार के तेज दिमाग और कुशलता को कोई अहमियत नहीं देता। मैं जान गया हूँ कि नया रूप जरूरी है। फाइनल एनालिसिस। मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्लास प्रेसिडेंट बनने के बाद आज मेरा पहला दिन है। प्रिंसिपल मैडमैन, ऑर्डर ऑर्डर। मैं पॉलिनिक्स मिडिल स्कूल का लीडर हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। मानो। अब बास्केटबॉल का सीजन है। हाँ, कोच यहाँ नए खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे, है ना कोच? हाँ, लेकिन पहले लंबाई नापेंगे, देखें कौन काबिल है। पहले तुम। गुड लक डैन। शुक्रिया। हे सुनो दोस्तों, मैं भी खेलना चाहता हूँ। मैं भी। दोस्तों फिक्र मत करो, हम सब टीम में जरूर शामिल होंगे। नेक्स्ट। अब मेरी बारी है। गुड लक दोस्त। गुड लक टीम। जरा देखे, टीम बेंस। टिंगू है। टिंगू। टिंगू, तुम उस तरफ जाओ टिंगू। नेक्स्ट। चलते रहो टिंगू। हाय बेंस। टिंगू। नेक्स्ट, सॉक्स मॉर्टन। सॉक्स। सॉक्स। सॉक्स, तुम बास्केटबॉल खेलने के वाकई काबिल हो। शुक्रिया। नेक्स्ट, रोबो जॉन। टिंगू। टिंगू, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टिंगू हूँ। हाँ मैं टिंगू हूँ। वो तो। सुनो तुम सब टिंगू बच्चे, मेरे साथ बाहर क्रैब सॉकर खेलने आओगे, कोई सवाल? चलो हिलो। अब जल्दी से झुक जाओ। तुम क्या देख रहे हो रोबोट? सॉक्स को। ओ हाँ, वो कोच के साथ बास्केटबॉल रिहर्सल कर रहा है। गलत। काश मैं भी रिहर्सल कर सकता। तुम नीचे बैठो रोबो जोन्स, हाथ पैर पर रेंग कर दिखाओ। सॉक्स। सॉक्स, क्या हो गया तुम्हें? हम बाहर क्रैब सॉकर खेल रहे थे। हाँ। ओ नहीं, इस मौसम में? दोस्तों तुम्हें पता है मैं बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गया। ये, मैं भी क्रैब सॉकर टीम में हूँ। अरे वाह, तुम्हें छोटे बच्चों के साथ खेलने में मजा आता होगा ना? हे सॉक्स, तुम बास्केटबॉल टीम में हो? क्या बात है, बहुत मजा आएगा। मैं क्रैब सॉकर टीम में हूँ। अच्छा तो क्या हुआ? रैली में मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों। हेलो शेनन। हेलो शेनन। सॉक्स, सुना है तुम बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो? हाँ, हम जरूर जीतेंगे। मैं भी चीयर लीडर की टीम में हूँ, मैं मेगाफोन में चिल्लाऊंगी। मैं क्रैब सॉकर टीम में हूँ। तुमने कुछ सुना? नहीं। खैर छोड़ो, कोच ने कहा कि मेरी लंबाई बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने मुझे बास्केटबॉल टीम के लिए चुना है। तुम काफी लंबे हो सॉक्स। तुम भी काफी लंबी हो। बैकअप फॉरवर्ड पर है रिची पर्सन। और अंत में तीसरे सेंटर पर है टिमोथी सॉक्स मार्टन। हटो, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रुकावट, सामने पहाड़ बैठे हैं।
क्या वो सॉक्स है? पता नहीं। और अब मिलते हैं हमारे खिलाड़ियों से। याहू! टिंगू होने का यही नुकसान है। टिम, टिम, ये तुम हो? देखो रोबोट, मैं लंबा हो गया। ये क्या, तुम तो कल तक टिंगू थे टिम। ये मैं हूँ रोबोट, रातों रात मैंने लंबाई बढ़ा ली और अब मैं इन लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। बेंस, यहाँ आओ। आया कोच, जिम के बाद मिलेंगे। हाँ, लंबाई बढ़ा दी। कल तक टिम टिंगू था, आज टिम अचानक लंबा हो गया। एनालिसिस। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। अचानक से शरीर में बदलाव आना, लंबाई बढ़ जाना, ये एक आम बात है। अच्छा, मैं भी लंबा होना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम रोबो हो। रोबो का डिजाइन हमेशा एक जैसा ही रहता है। तुम सब टिंगू बाहर जाओ, जल्दी करो। मैं टिंगू नहीं रहना चाहता, मैं भी लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ। हो सकता है तुम अगले साल टीम में आ सको। हाँ, आज रात खेलने आ रहे हो? हाँ, मैं जरूर आऊँगा। मैं भी। अरे वाह रोबोट, तुमने तो अचानक अपनी लंबाई बढ़ा ली। मैं भी लंबा हो गया। क्या बात है, तुम ठीक हो ना? चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है। ओप्स। हेलो शैनन, देखो अब मैं भी लंबा हो गया हूँ और अब मैं भी बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। ओ, क्लास का वक्त हो गया, फिर मिलेंगे शैनन। ना समझ, तुम्हारे दोस्त रोबोट को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे तो वो पागल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो रहा है। रोबोट बड़े या छोटे नहीं हो सकते। हो सकते हैं, ये नामुमकिन है। रोबोट जोन्स, तुम अपनी इस रोबोटिक लंबाई को काबू में रखो रोबो जोन्स। जी सर। अब तुम जाओ, मुझे मैच देखने जाना है। हम हार जाएंगे। पता है। बहुत अच्छे सॉक्स। शाबाश सॉक्स। ओप्स। ओ। टाइम आउट। सुनो तुम, रोबो जॉन। मुझसे कोई गलती हुई है सर? नहीं रोबो, रोबो तुम इतने लंबे हो, हमें जीत दिला सकते हो। जरूर चितवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन। ये लो रोबो। और बॉल रोबोट जोन्स के पास आ गई है। शाबाश। और दो पॉइंट्स। देखो क्या ड्रिबल कर रहा है। ये हुई ना बात। ऐसा खेल कभी नहीं देखा। बॉल कहाँ गई? क्या ये सही है? इसी के साथ मैच बराबरी पर। शाबाश रोबोट। टाइम, टाइम आउट। रोबो को पास करो, उस रोबोट को रोको। अब देखो इसके हाथों का जादू।
शैनन। हेलो दोस्तों, डेटा लॉग एंट्री। मैंने अपनी लंबाई बढ़ानी चाही, लंबा होकर देख लिया, हालांकि ज्यादा समय तक इस रूप में रहना नामुमकिन था। फाइनल एनालिसिस, मेरा जो रूप था वही बेहतर है।